हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 24/7 पे। दोस्तों, जेएसएससी का एक और कारनामा कल ही आपने देखा। जेएसएससी ने एक ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी कल जारी करी, जिसमें कि उसने जेएसएससी पेपर 2 यानी कि रीजनल लैंग्वेज वाला जो पेपर होता है, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें हमने देखा कि लगभग सारे रीजनल लैंग्वेज के सिलेबस को उसने चेंज कर दिया। तो हम यह भी कह सकते हैं कि आने वाले जेएसएससी सीजीएल के वैकेंसी में यही सिलेबस हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल की जितनी भी वैकेंसीज होंगी पेपर 2 के लिए सिलेबस सेम रहने वाला है। और हम देख रहे हैं कि सिलेबस लगभग 90% से ऊपर चेंज कर दिया गया है। अब इस नए सिलेबस को, ये जो चैलेंज हमें दिया गया है, जो ये जेएसएससी का एक कुकृत्य हम कह सकते हैं कि इतना पढ़ने के बाद फिर से सारा पढ़ाई बर्बाद हो गया और फिर से एक नया सिलेबस हम लोगों के सामने ला करके जेएसएससी खड़ा कर दिया है। क्या इस चैलेंज से हम डर जाएं और पढ़ाई छोड़ दें, या फिर ये जो सिलेबस हमें दिया गया है ये सिलेबस आसान है, या फिर पहले वाला सिलेबस आसान था, वो वाला सिलेबस हार्ड है, या फिर ये आसान है? तो इसके बीच हम कंपैरिजन भी देखेंगे, नए सिलेबस को कैसे तैयार करें। इसके बाद यहां पर हम पेपर 2 में हमेशा कहे हैं कि आपको 100 में से 90 प्लस करना है, तो क्या इस नए सिलेबस के साथ हम कर सकते हैं या फिर नहीं, किस प्रकार से हम तैयारी करें ताकि हमारा 90 प्लस इस सिलेबस के साथ भी कंप्लीट हो। ये सिलेबस हार्ड है या आसान है, इस पर भी चर्चा करेंगे, पूरी चर्चा इस पर करने वाले हैं। तो यहां पर ये वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम खोटा के सिलेबस को स्कैन करेंगे, इसके बाद बारी बारी से और भी रीजनल लैंग्वेज के सिलेबस को आपके सामने स्कैन करके उसके सोर्सेज को आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, ये सब पर बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए खोटा के सिलेबस को हम देखते हैं। देखिए, खोटा का जो व्याकरण है, खंड क में यहां पर खंड के बांटा गया इसको, तो खंड क जो है इसमें खोटा का व्याकरण दिया गया है। यहां पर बता दें कि पिछली बार जो खोटा का व्याकरण का जो सिलेबस था वो कम था, और इस बार जो सिलेबस है वो थोड़ा सा इलेबोरेट करके दे दिया गया है, तो हमें व्याकरण अच्छे से पढ़ना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सिलेबस में दिया गया है, खोटा भाषा का वर्ण विचार, यानी कि इस बार, पिछले बार संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन इस प्रकार से था, लेकिन यहाँ पर वर्ण विचार, जो कि व्याकरण का स्टार्टिंग वर्ण विचार से ही होता है, हमने आपको यूट्यूब पर वर्ण विचार पढ़ाया हुआ भी है। मैंने हमेशा कहा है कि आपको मास्टर नहीं बनना, आपको पीएचडी नहीं करना, बस आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ कर, आप इस तरह से पढ़े कि 90 प्लस आप अचीव कर ले। हमने पिछले बार भी आपको पढ़ाया था जो सिलेबस को, इतना लंबा चौड़ा बड़ा सिलेबस था, अब तो सिलेबस को कम भी कर दिया गया और थोड़ा आसान भी है। हम आपको बताएंगे कि कैसे सिलेबस को आसान कर दिया गया है, आप आसानी से 2 महीने के अंदर, मतलब 45 से 50 दिनों के अंदर इस सिलेबस को 1 से 2 बार आप रिवाइज कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, सेट लगा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन हां, ध्यान से सुनिएगा, हां हमारे साथ गलत तो हुआ है, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस हमने तैयार किया और पूरा सारा बर्बाद कर दिया, पढ़ाई लिखाई सारा बर्बाद कर दिया। लेकिन सामने में जो सिलेबस है उसको भी तो देखना होगा, उसे भी स्कैन करना होगा, और यह भी कंपैरिजन करेंगे कि हम खोटा ले, नागपुरी ले, हिंदी ले, यह भी आपको बताने वाले हैं। तो ये जो खोटा का व्याकरण है, इसमें सबसे पहले हमें वर्ण विचार पढ़ना होगा, फिर संज्ञा पढ़ना होगा, फिर सर्वनाम है, लिंग है, वचन है, कारक है, विशेषण है, काल है, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द और उनार्थक शब्द। लगभग 15 टॉपिक जो है खोटा व्याकरण को स्पेसिफाई किया गया है, एक एक करके हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे, वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक और उनार्थक शब्द, एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। और उसके बाद इसके MCQ को भी लगाएंगे ताकि हमें आसानी हो इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो हमें करने में। तो ये पूरा व्याकरण पहले जो भी हम पढ़ेंगे तो व्याकरण को हम कवर कर लेंगे। बस आपको समझना है, आपको चीजें आपसे बननी चाहिए, बस इतना आपके दिमाग में होना चाहिए। देखिए, अपने से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लेट लगेगा, हम आपके लिए पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और उसके बाद आपको आसान शब्दों में आपके सामने इसे पेश कर देंगे और उसके बाद आपसे प्रश्न लगवा लेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो ये व्याकरण में लगभग 15 टॉपिक दिया गया है। अगर खंड ख की बात करें, जिसमें कि पद्य साहित्य, पिछले बार पद्य साहित्य यानी कि कविता वाले पार्ट में तो आप लोग जानते ही हैं, दामोदर कोराय ये सब था, एक मोनिफूल, बहुत सारे कविता उसमें दिए गए थे, ठीक है, बहुत सारा कविता दिया गया था, दामोदर कोराय, एक मोनिफूल और भी बहुत सारा जो था, वो सब कुछ बदल दिया गया। यहां पर आप देख सकते हैं कि खोटा व्याकरण में भी सिलेबस को चेंज किया गया और ये जो पद्य साहित्य इसमें भी बदल दिया गया है पूरी तरह से सब कुछ। वो थोड़ा सा हार्ड था, एक एक बहुत ज्यादा कविता था, उसके बाद उन कविताओं का भाव हमें पता करना होता था, उसके बाद लेखक का परिचय, कविता याद रखना, 72, 31, 19, 20, खोटा काटे पायदे खंडी, तो बहुत ज्यादा कविता था और उसे याद रखना, उसके बाद उसके भाव को याद रखना, सारा थोड़ा सा
टफ हो जाता था। लेकिन यहां पर अगर बात करें पद्य साहित्य में तो यह दिया गया है खोरठा भाषा का लोकगीत, यहां पर सेक्शन वाइज बांट दिया गया और अच्छे से सिलेबस को डिजाइन किया गया है। खोरठा भाषा का लोकगीत, ये जो गीत वगैरह होता है, हमने आपको करब परम परब जो करम परब है वो जो निबंध वाला सेक्शन है मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें एक गीत मैंने आपको सुनाया था, आपको याद होगा, ठीक है। तो उस टाइप का जो लोकगीत है उसको यहां पर पढ़ना है। लोकगीत जो आप शादी में, आपके आसपास में शादी होता होगा या छठियारी होता होगा, सहियारी होता होगा, तो जो लोकगीत गाया जाता है उसको यहां पर पढ़ना होगा। लोकगीत क्या होता है, लोकगीत का परिचय क्या है, लोकगीत का परिभाषा क्या है, खोरठा भाषा के जो लोकगीत है उसका वर्गीकरण यहां पर देखना होगा, और जो 10 विविध प्रकार के गीत यहां पर दिए गए हैं उसका अध्ययन करना होगा, और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, आपको पता होगा कि 16 संस्कार, जो कि आप हिंदी में आप जानते होंगे कि हर एक व्यक्ति के जीवन में 16 संस्कार होता है, गर्भधान संस्कार से लेकर जो वो मर जाता है, जब मरा जाता है तब तक के बीच में 16 संस्कार होते हैं, और यहां पर 3 संस्कार गीत दिया गया अलग अलग, जैसे कि विवाह के टाइम पर, जैसे शादी ब्याह होता है तो लोकगीत गाया जाता है ना, तो वो विवाह का गीत का एक लोकगीत यहां पर देखने को मिलेगा, पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। आप लोग को हम पढ़ाएंगे, अलग अलग बुक्स ला करके जो सोर्सेज हैं मैं तैयार करूंगा और उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी। तो विवाह के समय, सहियारी के समय, उसके बाद छठियारी गीत, जब छठियारी छठी होता है बच्चों का, तो माँ को किस प्रकार से नहलाया धुलाया जाता है बच्चों को, और उस समय अलग अलग ओकेजन पर जो गीत गाया जाता है उसको लेकर के यहां पर प्रश्न पूछे जाएंगे और गीत होगा। तो 3 गीत संस्कार गीत से संबंधित हो गया। उसके बाद पर्व त्योहार के समय गाए जाने वाले गीत, जैसे करम पर्व में हमने आपको गीत सुनाया था वो निबंध वाले सेक्शन में, तो करम गीत 2 है और 1 सोहराई गीत, तो कितना हो गया 3+3 6 लोकगीत हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया गया है श्रम गीत, बाल गीत, ऋतु गीत और सामान्य गीत, तो टोटल 10 लोकगीत है, इसका अध्ययन हमें करना होगा, इससे संबंधित प्रश्न लगाने होंगे। देखिए, यहाँ पर अगर बात करें सोर्सेज की, बुक्स की, तो इन बुक्स में हमें ये सारे लोकगीत मिल जाएंगे, लेकिन आपको अपने से पढ़ना होगा, उसके बाद उससे इससे प्रश्न निकालने होंगे, तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर चीजों को पढ़ करके आपके लिए समराइज करके आपके सामने देंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा चीजें। जैसे खोरठा लोक साहित्य जो है, संयुक्त संपादन प्रकाशक कल्याण विभाग झारखंड सरकार की ओर से एक बुक आता है, उसको आप देखेंगे, खोरठा लोक साहित्य शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा लिखा गया, और डॉक्टर विनोद कुमार का एक बुक है खोरठा लोक गीतों का सांस्कृतिक अध्ययन, तो यहाँ पर हमें इन सब बुक्स में ये जो है यहाँ से कंटेंट हमें मिल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से कंटेंट निकाल कर खुद भी पढ़ सकते हैं, और अगर आप चाहेंगे तो हमारे से जुड़ करके भी इन सब जो कंटेंट है इसे आसान शब्दों में कम समय में कवर कर सकते हैं। उसके बाद जो सेक्शन बी है उसमें है शिष्ट गीत या फिर कविताएं। देखिए, एक होता है लोकगीत। लोकगीत क्या होता है, जो कि गांव समाज में बड़े बुजुर्ग या फिर जो पहले से गाया आ जा रहा है, कोई उसका लिखने वाला का पता नहीं, किसने लिखा, कहां से आया वो पता नहीं, बस गाया जा रहा है। लेकिन जो शिष्ट गीत होता है ना, इसमें कौन लिखा है, किसकी कृति है, किसकी रचना है, ये हमें पता होता है, तो शिष्ट गीत और कविताएं दिया गया है। तो खोरठा भाषा की 10 प्रतिनिधि कविताएं हमें करना होगा, कौन से पाठ्य पुस्तक से, तो एक पथिया डोंगल महुआ का 10 कविता, जो कि लिखा गया है संतोष कुमार महतो जी के द्वारा, उसके 10 कविताओं को हमें पढ़ना है। देखिए, हमने 72 कविता, हमने 31 कविता, 20 कविता, 6 कविता, इस तरह से हमने पढ़ा है, तो ये हमारे लिए आसानी हो जाएगा। 10 कविता एक पथिया डोंगल महुआ हमें करना है संतोष कुमार महतो जी के द्वारा, तो ये जल्दी ही मैं आप लोगों को करवा दूंगा, यूट्यूब पर ही करवाऊंगा, एक पथिया डोंगल महुआ 10 कविता, ठीक है। हम पहले भी आपको बताएं, हम कोई पीएचडी या फिर पीएचडी होल्डर खोटा में नहीं है, बस हमें थोड़ा समझ में आता है चीजें, हम पढ़ करके आपको समराइज करके दे पाते हैं, और आपको भी हमारा पढ़ाई समझ में आ जाता है, हम कोई खोटा के स्पेशल टीचर नहीं है, बस हमें समझ आता है, किताब पढ़कर बुक्स सोर्सेज को एक साथ कलेक्ट करके समराइज करके हम आपके सामने आपको दे देते हैं, जिससे कि आप आसानी से 100 में से 90+ आसानी से कर लेंगे। याद रखिएगा, बिल्कुल आसानी से कर लीजिएगा 100 में 90+। सिलेबस बिल्कुल चेंज हो गया है, आप देख ही रहे होंगे कि सिलेबस जो हमने पढ़ा था इतना लंबे समय से, इतना 2-3 साल से सिलेबस को कंप्लीट कर रहे थे, पढ़ रहे थे, और पढ़ पढ़ के हम थक चुके थे, और उसके बाद उस सिलेबस को चेंज कर दिया गया है, तो ये सरकार जो है स्टूडेंट एस्पायरेंट से दुश्मनी ही निकाल रही है और कुछ भी नहीं, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं, वो बहुत बड़ा एक सिलेबस अगर चेंज हुआ है तो इसका अगर बैड और गुड इंपैक्ट की बात करें तो गुड इंपैक्ट ये है कि ये सिलेबस थोड़ा सा
कम है उसके कंपैरिजन में पढ़ना थोड़ा सा कम पड़ेगा और आसानी से चीजें हमारा हमारे लिए कवर हो जाएंगी। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आसानी से चीजें कवर हो जाएंगी साथ के साथ। जो पहले का सिलेबस था, पहले हम व्याकरण कवर करेंगे, फिर कुछ कुछ चीजों को कवर करते हुए, और जैसे ही हमारा सोर्सेज जो नए बदले हुए सिलेबस के लिए तैयार हो जाएगा, इसे भी मैं आपको समराइज करके देने वाला हूं। उसके बाद देखिए खोटा भाषा के 10 गीत यहां पर दिए गए हैं। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया। बोने पाकले सोनिया कोइर, तो ये जो दिनेश दिनमणि के द्वारा। सोहान लागे रे शांति भारत जी के द्वारा। कते सुंदर छोटा नागपुर दीपक रावल के द्वारा। हमर भारत महान अंबुज कुमार जी के द्वारा लिखा हुआ। मिली के रहिया, तो ये प्रदीप कुमार दीपक के जी के द्वारा। सांजे हासई झींगा फूल, तो ये महेंद्र नाथ गोस्वामी जी के द्वारा। वोन रक्षा जीवन रक्षा अनिता कुमारी ने लिखा। शिवालिक बाउंदी मैला सुभद्रा कुमारी, और जय माय जननी शिवनाथ प्रमाणिक। तो ये 10 लेखक 10 कवि के बारे में भी हमें पढ़ लेना होगा, 10 कवियों का परिचय भी हमें पढ़ लेना होगा, और ये जिसने इसके द्वारा जो गीत लिखा गया है ये भी हमें पढ़ना होगा। देखिए ये एक बुक है सोहान लागे रे, जो संपादक है दिनेश दिनमणि, इनमें ये सब जो है कविता ये जो गीत है हमें मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर हम आपके लिए करके समराइज करके आपको देने वाले हैं, तो आपको कोई परेशान नहीं होना है, काम हो जाएगा। बात करें गद्य साहित्य की, तो गद्य साहित्य में जैसे उस बार हमने देखा था सोंद माटी अजगर, ये सब जो था नाटक वगैरह, सोंद माटी था, छायर कहानी संग्रह था, निबंध था, उसमें बहुत बहुत कहानियां थे। लेकिन यहां पर देखिए जो गद्य साहित्य में खोटा भाषा का 10 लोक कथा है, लोक कथा जो किस्सा कहानी आप घर में सुनते थे ना, लोक कथाएं हैं, बस एकदम आसानी से एकदम कहानी के जैसा फिल्म के जैसा मैं आपको सुना दूंगा, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एक एक प्रश्न आपसे बन जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। 10 लोक कथाएं हैं, तो 10 लोक कथाएं के लिए हम कितना दिन लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लेंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लेंगे, 3-3 कहानियों को एक एक दिन में कवर कर देंगे, तो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में हमारा ये कवर हो जाएगा। उसके बाद जो कविताओं की बात करें तो ये 3 दिन, तो हम 2 महीना से ज्यादा का ये सिलेबस नहीं है। हाँ, हम अल्टरनेट करेंगे और एक दिन पढ़ाई करेंगे और दूसरे दिन आपको रिविजन करना है, एक दिन पढ़ाई करेंगे दूसरे दिन आपको रिविजन करना है। इस प्रकार से जब हमारे साथ एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आप चलेंगे तो आपका काम बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्लासेस जो है 10 जून से एक फुल फ्लेजेड, देखिए पीछे जो भी कॉमन सिलेबस है जो पीछे हमने पढ़ा है पहले वो कवर कर लेंगे, व्याकरण कवर कर लेंगे, और ये जो बदला हुआ सिलेबस है इसके लिए भी हम सोर्सेज कलेक्ट करके और उसके बाद जो है इसके लिए कंटेंट तैयार करके आपके सामने 10 जून से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे फुल फ्लेजेड इस सिलेबस के लिए, और 45 से 50 दिन में हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। एक दिन क्लास और दूसरे दिन आपको रिविजन करना है। ये जो गद्य साहित्य के लिए जो लोक कथाएं ये भी हमें यहाँ पर इस बुक में मिल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर शिष्ट कहानियों की, तो शिष्ट कहानी ये सब तो हम पढ़े हुए हैं, छायर बोनिकलोर हम जी अब कैसे नवा जमींदार छोटे जमींदार उबार जिंदगी डुआनी ओत दीदा और हूँ, ये 8 कहानियां हैं, और ये 8 कहानियां कहाँ से हैं, तो छायर और सोंद माटी कहानी संग्रह से ये 8 कहानियां लिया गया। देखिए छायर के हमने सारे कहानियों को पढ़ा है, सोंद माटी के हमने सारे कहानियों को पढ़ा है, तो ये 8 कहानियां इनसे निकाल करके दिया गया है, तो एक दिन में 1 से 2 दिन में हम इसे कवर कर लेंगे, ठीक है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नाटक चाबी काटी हमने पहले भी पढ़ा है और अभी फिर से पढ़ लेंगे। साहित्यिक निबंध 8 साहित्यिक निबंध है, जिसमें कि भाई बहन का शुभ प्यार के प्रतीक परब करम ये भी हमने पढ़ा है, फूल कर परब सरहुल अर्थाकर प्रसंगिकता ये भी हमने पढ़ा और फिर से पढ़ लेंगे। तो देखिए सिलेबस बहुत आसान है, देखा जाए तो एकदम बहुत आसान सिलेबस है, आप एकदम बिल्कुल परेशान ना हो, हम आपके साथ लगातार हैं, हम आपके साथ नहीं छोड़ रहे हैं। जैसा कि हमने कहा कि हमें PhD नहीं करना, स्मार्ट तरीके से हमें पढ़ना है और कंप्लीट कर लेना है, तो उस तरह से हम स्मार्ट तरीके से इसको पढ़ेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, 45 से 50 दिन के अंदर हम इसे कंप्लीट करेंगे, और ज़्यादा हेक्टिक वाला सिलेबस नहीं है, हम पर विश्वास कीजिए बहुत ज़्यादा वो जो पिछले बार जैसे कि अलग अलग टाइप का सिलेबस था, थोड़ा ज़्यादा कंटेंट था, उतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएगा और काम भी हमारा जो है हम स्पेशली 100 में से 90+ कर लेंगे, बिल्कुल गारंटी है। अगर बात करें इन ये जो साहित्यकार हैं खोटा के, जिसमें कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी, श्रीनिवास पानुरी, AK झा, विश्वनाथ दसौंधी राज, विश्वनाथ नागर, शिवनाथ प्रमाणिक, श्याम सुंदर महतो श्याम, तो इन सब के जीवन पर निबंध यहाँ पर लिखना है, उनके व्यक्तित्व पर यानी कि पर्सनालिटी पर कि वो क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ से हैं, उसके बाद कृतित्व पर कि उनकी क्या रचनाएं हैं, उन्हें अपने जीवन में क्या क्या जो अचीवमेंट है, उपलब्धियां क्या क्या हैं, क्या क्या लिखे हैं उसने गद्य में पद में या फिर खोरठा साहित्य के क्षेत्र में उनका क्या योगदान है, तो पूरा डिटेल में इन सब पर निबंध लिखना होगा। तो टोटल यही है सिलेबस, ठीक है, जिसमें कि हमने क्या देखा, ये भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल श्रीनिवास पानुरी AK झा विश्वनाथ दसौंधी राज विश्वनाथ नागर शिवनाथ प्रमाणिक श्याम सुंदर महतो श्याम, उसके अलावा यहाँ पर नाटक निबंध है,
ये जल्दी से कवर हो जाएगा, ये भी हमारा दो अशिष्ट कहानी वाला जल्दी कवर हो जाएगा, ये जो लोक कथा है ये जल्दी कवर हो जाएगा, तो गद्य साहित्य तुरंत कवर हो जाएगा। पद्य साहित्य में भी बहुत कुछ नहीं है, हम जल्दी से इसको सोर्सेज को कलेक्ट करके मैं आप लोगों के सामने ये सारा कुछ आप लोगों को देने वाला हूँ, तो एकदम परेशान नहीं होना है। पद्य साहित्य भी बहुत कम है, कविता का संग्रह भी बहुत कम है, लोकगीत वगैरह है, तो एकदम आसानी से एकदम नॉर्मल लोकगीत जो है एकदम बोरिंग नहीं इंटरेस्टिंग वाला सिलेबस दिया गया है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और पहले हम व्याकरण कवर करेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे गद्य साहित्य पर। गद्य साहित्य व्याकरण कवर करने के बाद पद्य साहित्य कवर करेंगे, और ये जो निबंध है जो अलग अलग साहित्यकारों के ऊपर जो निबंध दिया गया उसे मैं आप लोगों को जो है अलग से पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा और पढ़ा भी दूंगा, आप लोग आसानी से इसे कर लेंगे। तो ये पूरा का पूरा है, YouTube पर भी सारी क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस YouTube पर भी आप लोगों को मैं देने वाला हूँ, लेकिन कुछ हमारी भी मजबूरियां हैं, उसके लिए अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो ये JSSC CGL के लिए, खोरठा के लिए अगर आप जुड़ते हैं तो यह कोर्स आपकी चिंता बिल्कुल खत्म कर देगा कि हम क्या ले क्या नहीं ले। अभी हम बताएंगे खोरठा, नागपुरी, हिंदी, उन सबके कंपेरिजन को भी बताएंगे। तो ये बिल्कुल आप 10 जून से जो है फुल फ्लेजेड नए सिलेबस के साथ जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 45 से 50 दिनों में हम इस क्लास को, हम इस सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेंगे, रिवीजन करके। एक दिन क्लास, दूसरे दिन रिवीजन होगा। 90 डेज का यह टारगेट बैच होगा, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। ज्यादातर आपको रिकॉर्ड करके क्लास देंगे, और लाइव जब कोई डाउट हुआ या फिर आप लोगों से सजेशन फीडबैक के लिए आप लोगों से लाइव भी हम यहां पर जुड़ेंगे। लाइव क्लास भी मिलेगा और रिकॉर्डेड। लाइव में क्या होता है, थोड़ा सा टाइम चला जाता है बातचीत में, तो रिकॉर्डेड आपको एक भी डाउट नहीं होगा, ये गारंटी है। चैप्टर वाइज यानी कि हर एक चैप्टर वाइज नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, और उस चैप्टर से संबंधित MCQ होगा। और याद रखिएगा, इस कोर्स में अगर आप जुड़ते हैं तो 100 में से 90 प्लस आप हंसते खेलते फिर से मैं आपको कहूं कि ले आएंगे, लेकिन फिर से कहेंगे कि PhD नहीं करना, बल्कि हमें आसानी से अच्छे से तैयार करते हुए, ठीक है, कम समय में स्मार्ट तरीके से पढ़ते हुए हमें क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद उसके संबंधित क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर आपको इस कोर्स के साथ जुड़ना है तो जल्दी से आप जुड़ जाइएगा, या फिर इस दिए गए नंबर पर कॉल करके सारी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। अगर बात करें कि अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से परीक्षा हॉल्ट के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर कोर्सेज अपडेट कर दिए गए हैं। क्लासेस जो है कुछ दिनों से नहीं चल पा रही थी क्योंकि घर में शादी का माहौल था, और जब घर में शादी, अपने घर में शादी का माहौल होता है तो बहुत ज्यादा काम वगैरह हो जाता है। आप मेरा आवाज में भी चेंजेस देख रहे होंगे, अभी भी मेरा तबियत कुछ खराब हो गया था, गला वगैरह फंस गया था, इस कारण से क्लासेस नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब सब कुछ सही है। 1 जून से मैंने कहा था कि क्लासेस जो है, जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग क्लासेस भी चलेंगी। तो खोरठा का क्लासेस जो है फुल फ्लेजेड 10 जून से इस नए सिलेबस के साथ, और जो व्याकरण वगैरह है ये सब चलते रहेगा हमारा रेगुलर। तो ये 10 जून तक आप लोग इसमें एनरोल हो जाए। अगर बात करें खोरठा का जो सिलेबस चेंज हुआ है, खोरठा का जो पहले वाला सिलेबस था, पुराना वाला सिलेबस था, और जो ये नया सिलेबस है, चूंकि हमने पहले तो बहुत मेहनत किया इस पर, तो हमें दुख होगा ही होगा कि कितना बड़ा सिलेबस हमने पढ़ा और उसके बाद इसका कोई काम नहीं, हमारा मेहनत बर्बाद हो गया। लेकिन ये जो नया सिलेबस है, हम कहेंगे कि ये नया सिलेबस थोड़ा सा आसान है इसके कंपेरिजन में, पुराने वाले सिलेबस के कंपेरिजन में थोड़ा सा आसान है। चाहे गद्य साहित्य की बात करें, चाहे पद्य साहित्य की बात करें, तो कम दिया गया है, बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत आसानी से हम 45 से 50 दिन में 2 बार इसको रिवाइज कर लेंगे, यकीन मानिए 2 बार इसको रिवाइज कर, और आप 100 में से 90 प्लस गारंटी में ले रहा हूं कि आप 100 में से 90 प्लस यहां पर ले आएंगे। बहुत हल्का सिलेबस कर दिया गया है, कुछ लोकगीत है, एकदम आसानी से इसको आप हंसते खेलते लोकगीत सुन लेंगे, कुछ कविताएं हैं और कुछ कहानियां हैं बस, ठीक है। और व्याकरण तो हम स्टार्ट कर ही दे रहे हैं, तो इसीलिए आपको परेशान नहीं होना है। तो YouTube पर आपको व्याकरण हम कवर करवा देंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहां पर अगर आप इसके साथ जुड़ते हैं तो अभी मात्र 749 में इसके साथ आप जुड़ सकते हैं, मात्र 749 में आप इसके साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। 10 जून तक आप इसके साथ जुड़िए जल्दी से, और अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो ये नंबर पर। खोरठा आप अगर बात करें हिंदी की, तो हिंदी का सिलेबस अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपको हिंदी बहुत अच्छे से आती है, देखिए हम भी हिंदी भाषी ही हैं, हम कोई खोरठा के स्पेशल टीचर नहीं, लेकिन हम अगर कंपैरिजन करें खोरठा और हिंदी में, खोरठा और हिंदी में, तो हिंदी टफ हो जाता है खोरठा के कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि हिंदी का सिलेबस बड़ा है, उसमें बुक्स बड़े बड़े हैं और मोटे मोटे बुक्स हैं, और उसके बाद उसका जो व्याकरण है थोड़ा सा टफ होता है खोरठा के कंपैरिजन में, उसमें रूल्स रेगुलेशंस ज़्यादा है, थोड़ा भी गलती उसमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इस नए सिलेबस के साथ जाएं, अगर खोरठा आप लेने का मन बना रहे हैं तो खोरठा में ये जो नया सिलेबस है बहुत आसान सिलेबस है, परेशान नहीं होना है। अगर आपको नागपुरी समझ आता है तो नागपुरी भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये हिंदी का सिलेबस अगर
आपको समझ भी आए तो भी आप हिंदी इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपको हिंदी लगता है हम कर ले तो आप कर सकते हैं। तो ये बात है, आप आज का यही मेरा कहने का मोटो था कि कोटा का ये सिलेबस है चेंज हो गया है पिछले सिलेबस से, ये सिलेबस थोड़ा सा कम टफ है हम कह सकते हैं क्योंकि हमने स्कैन किया है अच्छे से और उसके बाद आप लोगों को ये बात कर रहे हैं। सारे सिलेबस का जो भी सोर्सेज है उससे मैं आपको कंटेंट कलेक्ट करके और फिर नए सिलेबस का जो ये गद्य साहित्य पद्य साहित्य है 10 जून से स्टार्ट कर देंगे और जो व्याकरण वगैरह है ये चल ही रहा है तो आप लोग जल्दी से इस कोर्स के साथ जुड़ जाएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।